हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस तो आइएगा इसकी पहचान जान लेते हैं। इसको पहचाने के अगर किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो वो आपका सेंटेंस क्या कहलाता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि वो खाना खा रहा होगा, वो गाना गा रहा होगा, वो कपड़े धो रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और मेन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो और अब भी बता रहा हूँ कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आता है। चलिए तो आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। तो सिंपल सेंटेंस होंगे आपके पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो गाना गा रहा होगा, वो गाना गा रहा होगा। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम नाच रहे होंगे, तुम नाच रहे होंगे। यू विल बी डांसिंग, यू विल बी डांसिंग। तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे, तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम मेरे जैसी इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश लाइक मी। तो इसी के साथ आपके सिंपल सेंटेंस फिनिश होते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट देन आपका बी आता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट देन बी देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम गाना नहीं गा रहे होंगे, तुम गाना नहीं गा रहे होंगे। यू वॉन्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम खाना नहीं पका रहे होंगे, तुम खाना नहीं पका रहे होंगे। तो यू वॉन्ट बी कुकिंग फूड, यू वॉन्ट बी कुकिंग फूड, या फिर यू विल नॉट बी कुकिंग फूड। मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉन्ट बी ड्रिंकिंग वाटर। तो अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स आपके क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब मीन्स यहाँ का आगा पहले विल आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका बी आएगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना खा रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे। तो विल यू बी हैविंग फूड, विल यू बी ईटिंग फूड, विल यू बी टेकिंग फूड। तो इस तरीके से तीन तरीके से हम बोलते हैं। क्या तुम मेरे जैसे इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्या तुम मेरे जैसी इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश लाइक मी, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश लाइक मी। क्या मोर नाच रहे होंगे, क्या मोर नाच रहे होंगे। तो विल पीकॉक बी डांसिंग, विल पीकॉक बी डांसिंग। क्या बे पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे की बात हो रही, क्या बे पढ़ रहे होंगे। तो विल दे मीन्स बे, तो विल दे बी स्टडिंग, विल दे बी स्टडिंग। तो इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले आपका विल, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, देन आपका नॉट, देन बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले आपका आएगा वॉन्ट, देन आपका सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे। तो वॉन्ट यू बी हैविंग या टेकिंग या ईटिंग फूड, वॉन्ट यू बी हैविंग या टेकिंग या ईटिंग फूड। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा होऊंगा, विल आई नॉट बी या वॉन्ट आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मोर नहीं नाच रहे होंगे, क्या मोर नहीं नाच रहे होंगे। तो विल पिकॉक नॉट बी डांसिंग, या फिर वॉन्ट पिकॉक बी डांसिंग। तो गाइज इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी फिनिश होता है, और इसी के साथ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है। तो होप यू गाइज आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फीडबैक में लिखें, और अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, दुनियादार जितने भी लोग हैं सबको ये कोर्स रिकमेंडेड करें। महंगा नहीं है कोर्स, बहुत सस्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।